अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस चैनल द देसी ऑडियंस को अपना प्यार और मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये प्यार मोहब्बत जारी रहेगा, हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूज़ में तरक्की और खुशहाली और बरकत डालती रहे। आज मेरे साथ सैयद रजा नहीं है, वो किसी काम के साथ बाहर गए हुए हैं, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और रिव्यू के साथ। मूवी का नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। चूँकि इसका जिक्र पिछली वीडियो में हुआ था, दिल बेचारा वाली वीडियो में इसका जिक्र हुआ था, तो इसका रिव्यू भी देना चाहेंगे ताकि पता चले कि वो फिल्म कैसी थी और ये फिल्म कैसी हो सकती है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी बहुत अच्छी थी, जो कि एक बुक पर बनी थी, एक बुक जिसका नाम भी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स था, उस पर यह मूवी बनी। फिल्म बेस्ड है एक कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। एक जो लड़की होती है उसे कैंसर होता है और वो लड़का उसे ज़िंदगी जीना सिखाता है। लड़की बहुत डिप्रेस होती है, ज़ाहिर है भाई ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है, इसका इलाज भी नहीं है अभी तक। तो जो लड़का होता है वो उसकी मायूस ज़िंदगी में खुशियाँ डालना शुरू कर देता है, लड़की को लड़का पसंद आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिल्म में बहुत सारा इमोशन, ड्रामा और एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि जिन लोगों को कैंसर है उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। फिल्म डायरेक्टर की जॉर्ज ग्रीन ने, और फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने देखी कल। फिल्म उर्दू या हिंदी में तो नहीं है, अभी इंग्लिश में ही है, लेकिन फिल्म आप देखें आपको पता लगेगा इमोशंस के साथ। फिल्म में कुछ सीन्स आपको फैमिली के बारे में सिखाते हैं, कुछ सीन्स आपको फ्रेंडशिप के बारे में सिखाते हैं, और कुछ सीन्स आपको वैसे ही प्यार मोहब्बत के बारे में सिखाते हैं। ओवरऑल एंड ऑफ द डे ये फिल्म एक ट्रेजिक एंडिंग है विद अ लव स्टोरी। फिल्म बहुत अच्छी है, प्यार मोहब्बत सिखाती है। इसके अलावा हमें इंतज़ार करना है दिल बेचारा का 24 जुलाई को, जो कि पूरी दुनिया में फ्री रिलीज़ हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा फॉल्ट इन आवर स्टार्स भी देखें, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बुक और फिल्म में फ़र्क है, इसलिए आप ये फिल्म भी देखें, आपको अंदाज़ा होगा। वैसे भी फिल्म हमें इंटरटेनमेंट के तौर पर देख लेनी चाहिए, फिल्म में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ है। फिल्म का म्यूज़िक भी एक अलग ही लेवल पर स्कोर करता है। जब एक इमोशनल सीन चल रहा होता है और उसके ऊपर आप एक इमोशनल स्कोर डाल देते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को अपना प्यार मोहब्बत दें, हमें अपना प्यार मोहब्बत बेतहाशा दें, बार बार हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्यार मोहब्बत की हमें ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।